सबसे पहला अब क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ना है, तो सबसे पहले जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं एसएसएस क्राइटेरिया, एसएसएस क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे एसएसएस क्राइटेरिया आप किसको कहते हैं कि यदि इस ट्रायंगल का तीनों साइड और इस ट्रायंगल का सभी थ्री थ्री साइड यदि इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का सभी थ्री साइड और इस ट्रायंगल का भी सभी थ्री साइड यदि इक्वल है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कंग्रुएंस है, ठीक है ना। यानी कि तब हमें इसको सुपरपोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम बस मेजरमेंट से हम बता सकते हैं तीनों साइड का यदि लेंथ दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल के सभी थ्री साइड का यदि लेंथ दिया हुआ है, तो यदि तीनों साइड एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के यदि इक्वल हुआ तो हम कहेंगे कि ये कंग्रुएंस है। जैसे कि मान लो इसका ए बी साइड है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका ए सी साइड है 5 सेंटीमीटर और इसका बी सी साइड है 4 सेंटीमीटर, इसका जो है सो आपको पी क्यू साइड है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर साइड है मान लो कि इसका 7 सेंटीमीटर और ये जो पी आर है ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये जो दोनों ट्रायंगल होगा ये कंग्रुएंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो ए बी साइड है इसके क्यू आर के इक्वल है, इसका जो बी सी साइड है, ठीक है ना, ए बी जो है ए बी इक्वल है इसके आपको क्यू आर के, ठीक है, बी सी इक्वल है इसके पी आर के और ए सी इक्वल है इसके पी क्यू के, ठीक है ना। तो तीनों साइड जो है सो इसके साइड के इक्वल हो रहा है तो ये जो दोनों ट्रायंगल होगा ये कंग्रुएंट होगा, ठीक है। इसका जो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहलाता है ए बी जो है, ए बी जो है सो किसके इक्वल है क्यू आर के, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया क्यू आर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर, ठीक है। उसी तरह से आपको बी सी कॉरस्पॉन्डिंग है, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया पी आर, ठीक है, और आपको ए सी का, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया आपको पी क्यू, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एस 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 क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कंग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। तब हमें इसको सुपरपोज करने की जरूरत नहीं है। सुपरपोज मींस क्या कि हम इसको उठा करके इस पे रखने की जरूरत नहीं है, हमें हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये कंग्रुएंट होगा। हमें बाकी तीन जो एंगल है उसको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें तीन साइड का लेंथ यदि दिया हुआ है, इसका भी लेंथ दिया हुआ है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड यदि इक्वल हो रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है और इसको कहते हैं एसएसएस क्राइटेरिया कहते हैं, ठीक है, एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको लिखते हैं कैसे, इसको सिंबलिकली हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम सिंबल में लिखते हैं कि इसको हम सिंबल में लिखते हैं ए बी सी को हम सिंबल में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट, ठीक है। कंग्रुएंट का ये साइन होता है, ठीक है ना, ये दो ये इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहां पे ये आपको सिंबल बनाना है, ठीक है। ये कंग्रुएंट का सिंबल होता है ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट। अब यहां पे ध्यान देना होगा, दूसरा ट्रायंगल का नाम लिखते टाइम हमें ध्यान देना होगा कि ये जो पहले यहाँ पे ए बी साइड है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ए बी है, तो ए बी इसका इसके कौन से साइड के इक्वल है क्यू आर के, ठीक है ना। तो ए बी की जगह पे हमें क्यू आर ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ए बी साइड का इक्वल इसका क्यू आर साइड है, आर क्यू भी नहीं लिखना है, क्यू आर ही लिखना है, क्योंकि इसका जो ए और
ए बी और ए सी है, ये है 7 और 5, और इसका क्या कहते हैं क्यू आर और क्यू पी है 7 और 5, इसीलिए हमें इसको क्यू आर ही लिखना है। अब लास्ट वाला एक पॉइंट बच गया, एक वर्टिसेस, तो क्यू आर यहाँ पे हो जाएगा पी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बी सी साइड है, इस ट्रायंगल का जो बी सी है उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और इसका लास्ट में क्या है आर पी है, तो इसका आर पी भी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें ये जो सेकेंड ट्रायंगल लिखते टाइम हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सो इस पे आ रहा है कि नहीं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सो इक्वल होना चाहिए। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ए बी साइड ये हो गया, बी सी साइड हो गया, फिर ए सी साइड हो गया, तो इसका जो ए सी होगा वो क्यू पी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये लिखते टाइम हमें बहुत ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। इसको सिंबल में हम इस तरह से लिखते हैं कि दो ट्रायंगल को जब कंग्रुएंट होता है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको एसएसएस क्राइटेरिया। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगे समझने में बिल्कुल आसानी होगी, ठीक है। एसएएस क्राइटेरिया में क्या होता है, तो यदि कोई दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, इसका भी दो साइड और एक बीच का एंगल, दोनों जो साइड दिया हुआ है उसके बीच का एंगल यदि इक्वल है तो ये जो दोनों ट्रायंगल होगा ये कंग्रुएंट होगा। जैसे ए बी सी में और पी क्यू आर में इसका जो ए सी साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, इसका ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये इसका एंगल 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये जो ट्रायंगल होगा ये कंग्रुएंट होगा, ठीक है ना। जैसे हमने तो ये नहीं कि अब जैसे मान लो कि इसमें हमें ये दिया हुआ रहता कि ये 60 डिग्री नहीं है बल्कि आपको ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना, तब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होगा। आगे बात समझ में, यदि इसी के बीच का ही एंगल जो साइड दिया हुआ है, ठीक है ना, उसी के बीच का एंगल यदि इक्वल है तो ही हम तो ही वो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, ठीक है। तो इसको सिंबल में हम क्या लिखेंगे, इसको सिंबल में हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये 60 डिग्री है इसका, अब इसको सिंबल में ये इन दोनों ट्रायंगल को जो हम क्या लिखेंगे बता, कौन बता सकते हैं सर, क्या इसको सिंबल में हम क्या, जैसे हमने पहले वाले कंडीशन में ये लिखा था जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एसएसएस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये लिखा था, इस अभी जो मेजरमेंट है दिया हुआ, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हम सिंबल में क्या लिखेंगे, यस सर बताओ सर, ट्रायंगल ए बी सॉरी ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्रायंगल क्यू पी आर। पहले वाले ट्रायंगल को आप कुछ भी लिख सकते हो, दूसरे वाले ट्रायंगल को लिखते टाइम हमें ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, यस सर, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट क्या हो जाएगा, तो सर ए सर क्यू क्यू आर पी, क्यू आर पी, हाँ यस सर, क्योंकि इनके भी साइड अननोन है और ए बी की साइड भी अननोन है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला, ट्रायंगल क्यू आर पी। अभी देखो ये जो लिखा हुआ है, यानी कि हमें फिगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो ये जो लिखा हुआ है उसी से पता चल जाता है, ठीक है ना। इसका जो ए बी साइड है ये है, ठीक है ना, इसका जो ए सी साइड है यानी कि ए यहाँ पे है सी यहाँ पे है, इसका क्यू यहाँ पे और पी यहाँ पे है, तो इसका जो ए सी होगा इसके क्यू पी के इक्वल होगा, अरे बात समझो, है ना, इसका जो ए सी साइड है इसके क्यू पी के इक्वल है, और इसका जो बी सी साइड है इसके आर पी के इक्वल है, तो है यहाँ पे देखो फिगर में भी बी सी जो है सो आर पी के इक्वल हो गया। इसका जो है एंगल सी 60 डिग्री है और इसका जो एंगल पी है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया। अब दूसरा होता है आपको इसमें नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है, एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है आपको इसमें, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर, ट्रायंगल
यस बोलिए। बोलो क्यों नहीं आप बोल रहे हो। चलो तो ये तो हो गया एस ए एस क्राइटेरिया। उसी तरह से एक क्राइटेरिया होता है आपको ए एस ए, ए एस ए क्राइटेरिया। जैसे मान लो यही ट्रायंगल है, ए एस ए में क्या होता है तो दो एंगल होता है, ठीक है ना, दो एंगल और एक दो एक साइड, दो एंगल और एक साइड यदि इक्वल है। जैसे मान लो यही ट्रायंगल है, इसमें ये 60 डिग्री है इसका, ये 60 डिग्री हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है ये 75 डिग्री है इसका, ये एंगल 75 डिग्री है, ठीक है। तो दो एंगल और बीच का साइड यदि इक्वल है तो उसको हम कहेंगे ए एस ए क्राइटेरिया। ए एस ए मीन्स एंगल साइड एंगल, एस ए एस मीन्स साइड एंगल साइड, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यानी कि दो एंगल और बीच का साइड यदि इक्वल है तो ये जो दोनों ट्रायंगल होगा ये कंग्रुएंट होगा, ठीक है। तो इसको हम, सभी बच्चे का वीडियो ऑन है ना, ओके ठीक है। बताओ ये क्या कहते हैं, शालिनी बताओ इसको सिंबल में हम क्या लिखेंगे, शालिनी बताओ इसको सिंबल में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, नाम बताओ ट्रायंगल का। शालिनी आवाज आ रही है, गुलशन बताओ, गुलशन गुलशन आवाज आ रही है बताओ। अच्छा यस बताओ, शालिनी आवाज आ रही है सर, माइक म्यूट था। ठीक है बताओ क्या लिखेंगे सिंबल में सर, ट्रायंगल एबीसी सॉरी क्यू क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर क्यों, इसका जो सी साइड है, इसका जो सी एंगल है ये इसके पी के इक्वल है, तो C के प्लेस पे इसमें P होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ तो यहाँ पे इसका QRP होगा। QRP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QRP। इसको लिखते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो A एंगल है इसके Q के इक्वल है, और इसका जो आपको C एंगल है, इसका जो आपको A एंगल है इसके क्यू के इक्वल है, और सी एंगल जो है इसका 60 डिग्री है पी के इक्वल है, तो सी के प्लेस पे पी आएगा। अब बच गया आर, तो आर बीच में आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ये लिखते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो ये ठीक है, आज आप लोगों को इतना ही रहने दो।